आज इस वीडियो में हम लोग प्राइम ग्रीन का प्रीसेट दे रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं प्रीसेट को पेस्ट करके। तो यहाँ पेस्ट करने पे देख सकते हैं फ़ोटो कितने अच्छे लग रहे थे। चलिए इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोटो को लाइटरूम में एक्सपोर्ट कर लेना है, और जिसको प्रीसेट डाउनलोड करना का लिंक डिस्क्रिप्शन है, पर उसमें पासवर्ड लगाओ। पासवर्ड वीडियो में ही कहीं होगा, तो पासवर्ड को देखने के लिए पूरे एंड तक वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग कंट्रास्ट को -17 रख लेते हैं, फिर उसके बाद हाइलाइट्स वाले ऑप्शन पे आके उसको -83 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 83 हो चुका है। फिर यहाँ शेडोज वाले ऑप्शन को प्लस पे रखना है, 73 71, तो इतना वहाँ कर लेते हैं। यहाँ 70 हो चुका है। फिर उसके बाद वाइट्स को 10 रख लेना है, तो वाइट्स को हम लोग 10 कर लेते हैं। ब्लैक्स को -27 कर लेना है, तो ब्लैक्स को -27 कर लेते हैं। फिर यहाँ से डन कर देना है। फिर वाइब्रेंस को 44 रखना है, तो हम वाइब्रेंस को हम लोग 44 कर लेते हैं। यहाँ सेचुरेशन को माइनस में कर लेना है, तो सेचुरेशन को -27 कर लेते हैं। यहाँ हो चुका है। फिर यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आना है, तो रेड कलर को हुई को -10 रख लेना है, +10 सॉरी, और सेचुरेशन को प्लस -18 रख लेना है। फिर लुमिनेंस को +11 रखना है, 10 11, यहाँ हो चुका है। फिर सेकंड ऑरेंज कलर पे आना है, इसके हुई को +8 रख लेना है। यहाँ +8 करने के बाद सेचुरेशन को -38 कर लेना है, सेचुरेशन को -38 कर लेते हैं। इतना होने के बाद लुमिनेंस को -5 कर लेना है, +5 सॉरी। फिर यहाँ पे थर्ड ग्रीन कलर पे आना है, येलो कलर पे सॉरी, येलो कलर के हुई को +9 रख लेना है, और फिर सेचुरेशन को -57, सेचुरेशन को 57 कर लेते हैं। फिर यहाँ लुमिनेंस को -12 कर लेना है, और फिर यहाँ पे ग्रीन कलर पे आना है। फिर ग्रीन कलर पे आने के बाद यहाँ हुई को -50 रखना है, हुई को -50 रख लेना है, सेचुरेशन को -60 रख लेना है, तो सेचुरेशन को -60 कर लेते हैं। और फिर लुमिनेंस को -14 रख लेना है, +14, और फिर उसके बाद सीएन कलर पे आना है, और इसके हुई को +4 रख लेना है। इसको +4 कर लेते हैं, सेचुरेशन को -41 रख लेना है, उसको -41 कर लेते हैं, और लुमिनेंस को 4 रखना है, +4, तो यहाँ इसको लुमिनेंस को +4 कर लेते हैं, यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ +4 कर लिए। फिर उसके बाद ब्लू कलर पे आना हम लोग को, यहाँ ब्लू कलर के आने के बाद हुई को -3 रख लेना है, तो हुई को -3 कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेचुरेशन को -32 कर लेना है, +32 सॉरी, और लुमिनेंस को जो है सेचुरेशन को -32 रखना है, और फिर यहाँ पे लुमिनेंस को -25 कर लेना है, तो इसको लुमिनेंस को -25 कर लेते हैं। उसके बाद पर्पल कलर पे आना, पर्पल कलर के हुई को 25 कर लेना है, हुई को 25 कर लेते हैं। यहाँ हुई 25 करने के बाद पिंक कलर पे आना, पिंक कलर के हुई को +5 रखना है, तो उसको हम लोग +5 कर लेते हैं, और फिर सेचुरेशन को -17 करना है, तो सेचुरेशन को -17 करना है, और यहाँ से इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डन कर देना है। फिर इस वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे क्लैरिटी को बढ़ाना है, यहाँ क्लैरिटी को +19 रख लेना है। +19 रखने के बाद विग्निट वाले ऑप्शन पे आना, विग्निट को -6 कर लेना, तो यहाँ -6 कर लेते हैं। ग्रीन को +8 रख लेना, तो ग्रीन वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ इस वाले ग्रेन को 8 रख लेते हैं। यहाँ 8 होने के बाद सिंपली और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस वाले ऑप्शन पे आना, शार्पनिंग को 23 रख लेना, तो शार्पनिंग को 23 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन में आना है, नॉइज़ रिडक्शन को 11 कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन को 11 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, और फोटो थोड़ी डल लग रही है, तो हम लोग को इस सेचुरेशन यहाँ कलर पर जा कर यहाँ फेस कलर वाले ये ऑरेंज कलर का सेचुरेशन पे आना है, और इसको थोड़ा सा माइनस कर देना। अभी देख सकते हैं फोटो हमारी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी है।